पंचायत समिति उपचुनाव में भाजपा तो नगर परिषद वार्ड मेंबर चुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी। मतगणना के बाद रिजल्ट डिक्लेयर। चूरू पंचायत समिति के ब्लॉक संख्या 8 सदस्य तथा चूरू नगर परिषद के वार्ड संख्या 11 सदस्य के उपचुनाव हेतु 30 जून को डाले गए मतों की गणना सोमवार को चूरू पंचायत समिति सभागार में संपन्न हुई। चूरू पंचायत समिति के ब्लॉक संख्या 8 के सदस्य पद हेतु भाजपा के संजय कुमार विजयी रहे। भाजपा प्रत्याशी संजय कुमार को 2677 मत मिले। उन्होंने हरेंद्र कुमार को हराया। चूरू नगर परिषद के वार्ड संख्या 11 के सदस्य पद के लिए कांग्रेस की समीरा भाटी निर्वाचित हुई। कांग्रेस प्रत्याशी समीरा भाटी को 415 मत तथा निर्दलीय खेरू निशा को 237 मत प्राप्त हुए। वहीं नोटा पर 3 मत डाले गए। इस वार्ड में भाजपा ने अपना प्रत्याशी ही नहीं उतारा था। इधर मतगणना के उपरांत SDM विजेंद्र सिंह ने विजेता प्रत्याशियों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में विश्व डॉक्टर्स डे पर हुआ कार्यक्रम। उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को किया सम्मानित। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में सोमवार को विश्व डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। IMA द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने पर 7 चिकित्सकों का सम्मान किया गया। IMA सचिव डॉक्टर अरुण वर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल के डॉक्टर BL नायक को रेडियो डायग्नोसिस के क्षेत्र में कई अनूठे केसों को डायग्नोसिस करने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सर्वाधिक मेंबर जोड़ने के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल को नसबंदी शिविर में सर्वाधिक नसबंदी करने, राजगढ़ के डॉक्टर रामकुमार घोटड़ को साहित्य क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान, डॉक्टर नूतन वर्मा को अस्पताल में सर्वाधिक सिजेरियन ऑपरेशन करने, डॉक्टर श्रद्धा शर्मा को नाक कान गला रोग विभाग की देशव्यापी कॉन्फ्रेंस में सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रेजेंट करने, डॉक्टर मुकुल धावाई को जिले के प्रथम प्लास्टिक सर्जन बनने, डॉक्टर ऋषभ भार्गव ने कैंसर सुपर स्पेशलिटी में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में दाखिला मिलने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान IMA चूरू के प्रेसिडेंट डॉक्टर राहुल कस्वा ने सभी को सम्मानित करते हुए चिकित्सकों को बधाई दी। डॉक्टर FH गोरी ने डॉक्टर्स डे के महत्व को बताया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर गजेंद्र सक्सेना, डॉक्टर रामकुमार घोटड़, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल, IMA जिलाध्यक्ष डॉक्टर राहुल कस्वा, डॉक्टर BL नायक, डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर FH गोरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज अस्पताल के अंदर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे का IMA के तत्वाधान में आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आज हमने मुख्यतः ये बात रखी कि जो चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी कार्य करने वाले, यादगार कार्य करने वाले डॉक्टर्स को हमने सम्मानित किया। इस क्रम में सबसे पहले हमने रामकुमार जी घोटड़ जी को आमंत्रित किया, जो राजगढ़ से हैं और पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन इनकी ये एक्टिविटी के अलावा वो बहुत अच्छे लेखक हैं और इनका लघु कथाओं में स्पेशलाइजेशन है। इसके ऊपर उन्होंने 72 किताबें लिख चुके हैं। आज उनकी एक और नई किताब का भी विमोचन हुआ है इसी के साथ कार्यक्रम में। उसके अलावा अन्य डॉक्टर्स का भी सम्मान किया है, जिसमें रोडवेज डिपो परिसर में रोडवेज कार्मिकों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। चूरू के रोडवेज डिपो परिसर में सोमवार को राजस्थान रोडवेज वर्क्स यूनियन के आह्वान पर रोडवेज कार्मिकों ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां नारेबाजी भी की गई। सीटू के प्रदेश उपाध्यक्ष रामदेव ठाकरिया ने बताया कि चालकों और परिचालकों से वरिष्ठता के अनुसार काम नहीं लिया जा रहा। प्रशासनिक मनमर्जी से कर्मचारियों की वरिष्ठता क्रम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जूनियर कर्मचारी ऑफिस में बैठे हैं। साल 2013 में नियुक्त ड्राइवरों के 7वें पे कमीशन फिक्सेशन की विसंगति को दूर करने, रोडवेज के कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों को हर माह की 1 तारीख को भुगतान करने, रिटायरमेंट होने के बाद 20 माह बाद भी पेंशन लाभ नहीं दिए जाने, चालकों और परिचालकों को ओवरटाइम कार्य देने सहित 11 सूत्रीय मांगे हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अगर समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। डिपो में सीनियरिटी लागू की जाए, पद के अनुसार कार्य लिया जाए, 1 तारीख को समय पर वेतन पेंशन का भुगतान किया जाए और जो रिटायरमेंट हो गए हैं कर्मचारी उनके परिलाभों का भुगतान किया जाए। और 3 बार चीफ मैनेजर से कर्मचारी मिल चुके हैं, अभी तक मांगों पे समाधान नहीं हो निकला है। तो अब ये आज का एक सांकेतिक धरना इसी लिए दिया गया है कि मांगों का समाधान हो। अगर समाधान नहीं निकलता है तो फिर कर्मिक धरने का आयोजन रखा जाएगा। पिछला महीना पूरा चला गया और रिटायरमेंट हो गए उन साथियों को 20 महीने से परिलाभों का भुगतान नहीं हुआ।
लव मैरिज करने निकली युवती पहुंची एसपी दफ्तर, परिजनों की समझाइश के बाद उतरा प्यार का बुखार। चुरू जिले की सरदार शहर तहसील के एक गांव की युवती एक युवक के साथ एसपी दफ्तर पहुंची। एसपी दफ्तर में युवती ने बताया कि उसने उसके साथ आए युवक से गाजियाबाद में लव मैरिज कर ली है। 25 जून 2024 के करीब वह दूसरी जाति के युवक के साथ निकली थी, अब उसे धमकी मिली है तो वह एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। युवती ने बताया कि करीब 4 महीने पहले उसकी इस युवक के साथ जान पहचान हुई थी। इधर युवती के परिजन भी उसकी तलाश करते हुए एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने घर छोड़कर निकली युवती की समझाइश की। काफ़ी देर तक परिजनों के समझाने के बाद वह मान गई। परिजनों ने घर की इज्जत का हवाला देते हुए गलती के लिए माफ़ करने की बात उस युवती को कही। काफ़ी समझाइश के बाद उसके प्यार का बुखार उतरा, जिसके बाद उसने पुलिस से अपनी मर्जी से अपने परिजनों के साथ जाने की बात कही। बहरहाल युवक को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। आगे युवती के बयान के बाद कार्यवाही भी की जाएगी।